हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये खबर है। पूर्व बीजेपी बिहार के गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने जेडीयू दफ्तर में एंट्री की है। जेडीयू दफ्तर पहुंच चुके हैं गुप्तेश्वर पांडे, वीआरएस गुप्तेश्वर पांडे ने लिया है और अब इस वक्त वो जेडीयू दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। जानकारी यह सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार भी अब से कुछ ही देर में जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे और फिर नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल होने का ऐलान करेंगे गुप्तेश्वर पांडे। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार मौजूद हैं। प्रकाश, तो जैसा कि तय माना जा रहा था कि वीआरएस लेकर जेडीयू में एंट्री वही होने जा रही है, आज औपचारिक ऐलान संभव? नहीं, मुख्यमंत्री आवास से गुप्तेश्वर पांडे जो पूर्व डीजीपी है उनको फोन गया था कि आज वो पार्टी कार्यालय में आए मिलने के लिए। 12:30 बजे का टाइम हुआ था और गुप्तेश्वर पांडे खुद पहुंच गया, नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है कि पार्टी कार्यालय में जाने का जो उद्देश्य है। नीतीश कुमार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू दफ्तर में पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ऐलान संभव है। जैसा कि प्रकाश हमें बता रहे थे कि आज मुख्यमंत्री आवास से फोन गया था गुप्तेश्वर पांडे को, उन्हें बुलाया गया था। अपडेट इस खबर पर आपको और आगे देंगे।